कोटपुतली शहर पदस्थापित उप जिला कलेक्टर सुनीता भीड़ा के तेवर बताते हैं कि अब ये सब नहीं चलेगा। थाना इंचार्ज फूलचंद शर्मा व पुलिस जाब्ते के साथ सड़कों पर पुत्री एसडीएम सुनीता भीड़ा ने सड़कों से न केवल अनावश्यक बोर्ड होल्डिंग्स व्यापारियों के सामान को हटवाया, बल्कि नगरपालिका व राजकीय बीडीएम हॉस्पिटल का दौरा किए जाने के बाद स्थानीय पंचायत समिति सभागार में विभागीय अधिकारियों की बैठक के दौरान कहा कि शहर शिकायतें बहुत है, कार्यों में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। पीडब्ल्यूडी को एक सप्ताह में शहर की सड़कों पर मौजूद गड्ढे भरने, नगर पालिका प्रशासन को सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश देते हुए कहा कि मौजूदा अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस व परिवहन विभाग से समन्वय स्थापित कर शीघ्र यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है। मीडिया से मुखातिब एसडीएम सुनीता मीणा ने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाना, मास्क लगवाना, ताकि हम कोरोना को हरा सके। मैं जब बाजार में निकली तो मुझे यह अतिक्रमण बहुत मिला, इसे हटाया जाना मेरी दूसरी प्राथमिकता होगी। मीडिया द्वारा स्वच्छता को लेकर पूछे जाने पर सुनीता मीणा ने कहा कि यहाँ नालियां गंदी है, जगह जगह कचरे के ढेर हैं, आवारा पशुओं की भरमार है, इससे आमजन को निजात मिलनी चाहिए। अतिक्रमण विशेष पर विशेष फोकस करते हुए एसडीएम सुनीता मीणा ने कहा कि शीघ्र ही आप देखेंगे पुरानी नगरपालिका के पास खड़े टीन शेड को जल्द ही हटा दिया जाएगा। वहीं नेशनल हाईवे 8 पर स्थित फ्लाईओवर के नीचे बने पक्के स्थायी अतिक्रमण को हटाए जाने के बारे में आपको मेरा काम बताएगा। मैं कहने में नहीं करने में विश्वास रखती हूँ। आप जल्द देखेंगे जितना भी अतिक्रमण है आपको हटा हुआ मिलेगा। आप मुझ पर विश्वास रख सकते हैं। सबसे पहले मैं चाह रही हूँ एक तो भीड़भाड़ कम हो जाए, ठीक है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क लगाएं, जिससे कि जो ये कोरोना है उसको हम हरा सकें, ठीक है। सेकंड जो है अतिक्रमण वाला मामला, मैं जैसे ही बाजार में गई यहाँ पर अतिक्रमण का मामला मुझे बहुत खराब लगा। दूसरा मेरा ये है कि मैं अतिक्रमण को हटाऊंगी, है ना। और अगला गंदगी, जैसे कि बारिश आने वाली है तो मैंने आते ही देखा था एक तो नालियाँ बहुत गंदी हैं, जगह जगह कचरा है, आवारा पशु भी घूम रहे हैं, कुत्ते भी हैं, उनको भी मैं हटवाऊंगी, जिससे कि कोटपुतली एक स्वच्छ और सुंदर अपना बिल्कुल है और उसको मैं हटवाऊंगी। जल्दी आप देखेंगे वो हटावा मिलेगा। एक और बड़ी समस्या, इसके बारे में आपको मेरा काम बताएगा। मैं कहने में नहीं करने में विश्वास करती हूँ, तो आप जल्दी देखेंगे जितना भी अतिक्रमण है वो सब आपको हटावा मिलेगा। आप मुझ पर पूरा विश्वास रखें, जल्दी काम होगा।